हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री गवरी में। और हिस्ट्री गवरी में हम इतिहास की बात करते हैं। बहुत सारी चर्चाएं हम यहाँ कर चुके हैं, राजपूत राज्यों की बात कर रहे थे, तो बहुत सारे राजपूत राज्यों की बात कर चुके हैं। और बहुत प्रमुख राजपूत राजवंश मध्य प्रदेश के लिहाज से, जिसको कहा जाता है परमार वंश। परमार वंश मालवा और धार, जनरली हम बोलते हैं उज्जैन और धार के बीच कई बार इनका रहा। लेकिन आपने नाम सुना होगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का, और भोपाल की राजधानी जो मतलब भोपाल जो राजधानी बनी है या भोपाल जो नाम पड़ा है वो राजा भोज के नाम से पड़ा है। यही राजा भोज प्रतापी राजाओं में नाम आता है परमार वंश के इनका। इन्होंने भोपाल के पास में ही भोजपुर नामक जगह पे, गांव है मतलब नगर हो गया, अब तो भोपाल की सीमा में भी आने लग गया है, वहां पे एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया है शिव जी का, है ना। इतना बड़ा शिवलिंग है पत्थर से निर्मित कि अपने आप में एक अद्भुत मंदिर की छटा बिखेरता है। साथ ही साथ झीलों की नगरी जिसको कहा जाता है, इतनी बड़ी झील बनवाई है किसने, राजा भोज ने। सो ऐसे प्रतापी शासकों की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, जो रिलेटेड है किससे, परमार वंश से। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं परमार वंश के बारे में, जो भी एक राजपूत राजवंश हुआ कर रहा था पूर्व मध्य काल का। तो स्टार्ट करते हैं गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार का नाम तो सुना ही है आपने, है ना, क्योंकि ये भैया बिल्कुल मालवा के शुरुआती शासक हैं जो त्रिकोणीय संघर्ष में भाग ले रहे थे। और गुर्जर प्रतिहारों की सत्ता जो है समाप्ति के बाद मालवा में, मालवा जगह मतलब मध्य प्रदेश वाली कोई जगह, 8वीं शताब्दी में, किसमें, 8वीं शताब्दी में परमार वंश का उदय हो रहा है। भैया परमार वंश का उदय हो रहा है, धारा धारा नगरी कहलाती थी, आज धार आपने सुना होगा ना, धार डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, बिल्कुल इंदौर के पास में, ठीक है। सो धार धारा उसको बोलते थे। उज्जैन, मालवा और लाट, ये पूरा इलाका उस समय धारा कहलाता था। बांगड़, बांगड़ मतलब बांसवाड़ा, ये राजस्थान वाला इलाका है बांसवाड़ा। चंद्रावती, चांद्रावती मतलब आबू, माउंट आबू वाला क्षेत्र राजस्थान। जालौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। मालवा, मालवा मतलब वही धारा उज्जैन वाला जो क्षेत्र है वो, इनकी शाखाएं थी। किसकी शाखाएं थी, परमार वंश की शाखाएं थी ये पूरी की पूरी। मालवा के परमार, मालवा के परमार सबसे ज्यादा प्रसिद्ध परमार माने जाते हैं पूरे पूरे के पूरे इतिहास में, मैं बात कर रहा हूं इसमें, अगर हम राजपूतों के इतिहास की बात करें तो सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ करते थे परमार। राष्ट्रकूटों के सामंत थे, किसके सामंत थे, राष्ट्रकूटों के। भैया बाकी के हमने देखा कि चंदेल होगा, चौहान होगा, ये किसके सामंत है, ये सामंत प्रतिहारों के थे, लेकिन ये किसके सामंत है, कौन, परमार, ये किसके हैं, राष्ट्रकूटों के सामंत है भैया, ठीक है। सो राष्ट्रकूटों के सामंत है। और परमार वंश का शासक कौन है, उपेंद्र है, ये याद रखना, पूछ लिया जाता है कई बार कि परमार वंश के संस्थापक का नाम क्या है, सो उपेंद्र है, ठीक है भैया। चलिए देख लेते हैं वीर सिंह प्रथम, क्या वीर सिंह प्रथम नाम है, उसके बाद सियक प्रथम। ये भैया सियक प्रथम का तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे शासक रहे यहाँ पे। बागपति प्रथम, वीर सिंह द्वितीय, परमार वंश के प्रमुख शासकों में प्रारंभिक शासक रहे हैं ये, है ना, शुरुआती प्रतापी शासकों में इनका नाम आता है। इसके बाद परमार वंश का पहला स्वतंत्र और शक्तिशाली शासक जो है वो कौन था, सियक था, हमने देखा है ना इधर सियक प्रथम, वही सियक या श्रीहर्ष इनको कहा जाता है। ये भैया बहुत बड़े विद्वान भी रहे हैं अपने आप में, ठीक है। सो सियक या श्रीहर्ष थे प्रारंभिक शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली, बागपति मुंज रहे हैं। क्या नाम है, बागपति मुंज, आपने नाम सुना, बागपति प्रथम, सियक प्रथम मतलब श्रीहर्ष, बागपति मुंज, बागपति प्रथम, इनकी बात चल रही है। 973 से 995 में इनका शासन काल रहा है, मतलब 22 साल कहीं से खराब नहीं अपने आप में, 22 साल इनका शासक था। त्रिपुरी, त्रिपुरी लाट मतलब ये जबलपुर के आसपास वाला क्षेत्र बता रहे हैं, त्रिपुरी मध्य प्रदेश वाला, वो त्रिपुरा वाला नहीं है ना, त्रिपुरी लाट हो गया, कर्नाट हो गया, कर्नाट मतलब बिहार वाला जो बंगाल बिहार वाला जो क्षेत्र है वो, केरला हो गया केरल वाला। चोल साम्राज्य तक उसने अपना क्या कर लिया था, पराक्रम दिखाया था भैया, साम्राज्य को फैला लिया था, किसने फैला लिया था, बागपति मुंज ने, ठीक है भैया। चालुक्य नरेश हुआ करते थे तेलप द्वितीय, कौन, तेलप द्वितीय, उसने कई बार हराया था किसने, अरे भैया इन्होंने ही, बागपति मुंज ने, तेलप द्वितीय, चालुक्य मतलब नीचे वाले जो शासक चल रहे थे चालुक्य वंश, अभी हम सारी बात करेंगे, राष्ट्रकूट चालुक्य चेर पांडे चोल सब की बात करने वाले हैं, बिल्कुल बेफिक्र रही है आप यहाँ पे। सो तेलप द्वितीय को कई बार तो फोड़ा है, हराया है किसने, बागपति मुंज ने, लेकिन उसकी उसी युद्ध में मृत्यु भी हो गई थी, किसकी, बागपति मुंज की। भाई हुआ कुछ ऐसा था कि 10-12 बार तो हरा चुके थे, 11वीं बार में फूटे जाते हैं वो, खत्म हो जाते हैं, बार बार छोड़ देते थे जे भी बागपति मुंज के, यार जाओ ऐश करो, छोड़ दिया तुमको, फिर आ जाते थे वो लड़ने,
और कई बार हराया फिर एक बार, तो फिर वो कई बार यही हो जाता है ना कि आप भाई आप छोड़ देते हो कि चलो छोड़ो, लेकिन वो आपके लिए गलत हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है एक युद्ध में। ठीक है चलिए, उसके बाद हम बात करें बागपति मुंज के काल में उज्जैनी, उज्जैनी मतलब उज्जैन की बात कर रहे हैं, महाकालेश्वर की नगरी है भैया उज्जैन, और प्रसिद्धि इसकी चारों दिशाओं में फैल गई थी। किसकी? उज्जैनी की प्रसिद्धि। किसके समय में? बागपति मुंज के समय में एक महान विद्वान शासक हुआ करता था। कौन कौन? अरे यही बागपति मुंज भैया, पद्मगुप्त ने, ये विद्वान रहे पद्मगुप्त, पद्मगुप्त ने नव सहसांग चरित, क्या नाम है? नव सहसांग चरित, इसमें धनंजय ने 10 रूपक, ये दूसरे विद्वान है जिनने 10 रूपक लिखा है, तथा धनिक ने यशो रूपावलोक, इनकी रचना जो है वो इसी के शासनकाल में करी। ये विद्वान खुद था और विद्वानों को आश्रय देता था बागपति मुंज, और ये ऐसे ऐसे विद्वानों ने इतनी सारी रचनाएं करी हैं जो इससे संबंधित है, परमार वंश की और उस समय की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति उसके बारे में यहाँ पे विवरण आपको प्रस्तुत मिल जाता है। फिर बात करेंगे यहाँ सिंधु राज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु राज ये 5 सालों तक ही शासन कर पाते हैं, लेकिन 5 साल भी हल्का पतला नहीं रहता। अंग्रेज आ सकते, चालुक्य राजा सत्याश्रय को उनने परास्त कर दिया था भैया, कितने? सिंधु राज ने, और दक्षिण कोशल लाट और अपरांत से भी उसने युद्ध करा था। ठीक है, और चालुक्य राजा मुंड राज ने उसे युद्ध में परास्त भी कर दिया था। किसको? सिद्ध राज को। ठीक है, जयसिंह सिद्ध राज की बात नहीं कर रही है, सिद्ध राज की, सिंधु राज की हम बात कर रहे हैं। फिर भैया आएंगे मेन इंपॉर्टेंट शासक, बहुत इंपॉर्टेंट परमार वंश के, राजा भोज, है ना, 1000 से 1055, 55 सालों का इनका शासन रहा है भैया। गजनी को भी भगा भगा के मारने का प्लान था, लेकिन बच गए गजनी, तो पकड़े नहीं जा पाए, निकल लेते हैं पहले ही। ठीक है, परमारों का सर्वाधिक शक्तिशाली, श्रेष्ठ और विद्वान व्यक्ति तो है ही अपने आप में भैया, महान शासक था कौन? राजा भोज। चेदी, चेदी मतलब समझ रहे कौन सा इलाका? मध्य प्रदेश ऊपर ग्वालियर वालियर वाला जो इलाका, वो चेदी कहलाता था। ठीक है, गुजरात तो हम देते पता ही है, कर्नाट मतलब ये उड़ीसा वाला जो इलाका है, उड़ीसा बिहार वाला जो बंगाल वाला इलाका है। लाट, गुर्जर राजा, गुर्जर प्रतिहार वाले, वो सारे राजाओं से युद्ध करने के साक्ष्य मिल जाएंगे कहाँ पे? उदयपुर की प्रशस्ति में। किससे? राजा भोज ने फोड़ा है इन सभी लोगों को, और ये सारे साक्ष्य कहाँ? उदयपुर प्रशस्ति में प्राप्त हुए हैं। कल्याणी का चालुक्य शासक जो था उसका नाम है विक्रमादित्य चतुर्थ, क्या नाम है? विक्रमादित्य चतुर्थ, उसको परास्त भी किया है भैया भोज ने। कलचुरी शासक कौन से? गंगायदेव, गंगायदेव को नाम सुना है अपन ने, कलचुरी वंश की चर्चा करी थी, याद है? नहीं तो वीडियो देख लेना, वो है ना। सो गंगायदेव को हराकर बिहार में आरा के पास भोजपुर पर अपना अधिकार कर लिया था, बिहार में, है ना, इधर भारत वाला भोजपुर नहीं, वो मतलब भोपाल वाला जो जहां मंदिर बनवाया वो तो है ही, एक भोजपुर और बसा है बिहार में, सो आरा के पास में उसको भी क्या कर लिया था? अपना अधिकार कर लिया था भैया। भोजसर तालाब, ये अब भी भोपाल वाला ही है, भोजसर तालाब का निर्माण धारा नगरी के चौराहों पर 84 मंदिर, भोजसर तालाब मतलब ये भोपाल का जो तालाब है ना, सबसे बड़ा तालाब बोलते हैं, उसका निर्माण इन्हें ही करवाया, धारा नगरी मतलब धार में एक चौराहे पर 84 मंदिरों का इन्होंने क्या करवाया? स्थापना करवाया है, और उसको शारदा सदन का निर्माण करवाया, उसमें शारदा जी देवी का मतलब विद्यापीठ बनवाया है इनने, बकायदा शारदा मंदिर में सरस्वती की प्रतिमा की स्थापना भी किनने करी है? परमार शासक ने ही करी है, किसने? भोज ने करी है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है चलिए, धारा नगरी के शारदा सदन में, कहां? शारदा सदन में दीवारों पर परिजात मंजरी, पारिजात मंजरी बोलते हैं उसको, पारिजात मंजरी नाटक जो है वो किसने? अर्जुन वर्मा ने खुदवाया। किसने? अर्जुन वर्मा ने खुदवाया। और भोजकृत, भोज भैया बहुत बड़े विद्वान थे, अभी हम इनकी सारी रचनाओं की भी चर्चा करेंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। सो भोज ने क्या करा है? कूर्म शतक उसके द्वारा खुदवाया गया था, भोज की रचना है ये कूर्म शतक। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं और रचनाएं, अगर इनकी बात करें तो समरांगण सूत्र, नाम सुना है आपने? नहीं सुना तो भैया ये शिल्प शास्त्र है जिसके बारे में पूछा जाता है कि समरांगण सूत्र के रचयिता कौन है और ये किससे संबंधित है, तो शिल्प शास्त्र है सरस्वती कंठावरण, सरस्वती कंठावरण, ये अलंकार शास्त्र है, अलंकारों की बात करी हुई है यहाँ पे। श्रृंगार प्रकाश, श्रृंगार प्रसाद भी, प्रसाद भी अलंकार शास्त्र ही है। पतंजलि योग सूत्र वृत्ति, क्या नाम है? पतंजलि योग सूत्र वृत्ति, ये योग शास्त्र है, योग के भी जानकार रहे हैं राजा भोज, मतलब बड़े विद्वानों में नाम आता है भाई साहब। कूम शतक की तो हमने बात करी ली, काव्य शास्त्र है ये यहाँ पे, काव्य नाटक, और चंपू रामायण इसमें भी काव्य नाटक है ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भैया। किसकी? परमार शासक राजा भोज की। सो वो एक तो पराक्रमी शासक थे, साहसी निडर पराक्रमी, उसके बावजूद भी भैया विद्वानों के विद्वान, इसीलिए कबीराज की उपाधि भी इनको दी जाती है। किनको?
राजा भोज को कविराज भी कहा जाता है। ठीक है भाई साहब, श्रृंगार मंजरी ये भी इनकी ही रचना है जो काव्य शास्त्र है। आयुर्वेद सर्वस्व, भैया आयुर्वेद के बारे में भी लिखा है, योग तो लिखा ही है, आयुर्वेद शिल्प भी लिखा है, तो मतलब मान लो आप तो तत्व प्रकाश शिव जी के अनन्य भक्त हुआ करते थे भाई साहब, तभी तो उनने शिव मंदिर का भव्य शिव मंदिर है वो कहाँ पे अरे भोजपुर, बिल्कुल भोपाल के पास में ही पड़ता है। सो नाम मलिका ये शब्दकोश है और एक शब्दानुशासन ये भी शब्दकोश है, तो ऐसी रचना इन्होंने करी हुई है। किसने? राजा भोज ने। इसके बाद भोज के बाद जयसिंह आ जाएंगे प्रथम, 1055 से 70 तक, मतलब लगभग 15 सालों का शासन रहा है। उदयादित्य आ जाएंगे 1070 से 86 यानी 16 साल तक। लक्ष्मण देव आ जाएंगे 86 से 94 तक, ज्यादा शासन नहीं है, 8 सालों का ही रहा है। नरवर्मा थोड़ा सा ज्यादा शासन करे, लगभग 39 ईयर्स का, 39 सालों का शासन करते हैं। यशो वर्मा आएंगे 33 से 42 तक, मतलब 9 सालों का शासन करते हैं। जयवर्मन और लक्ष्मण वर्मन ये प्रमुख शासन हुए। जयवर्मन हमने देख लिया था, जयवर्मन और लक्ष्मण वर्मन ये क्या है? प्रमुख शासक हुए आंतरिक दुर्व्यवस्था के कारण। अब भाई अयोग्य उत्तराधिकारी होने लगे तो आंतरिक कलह होने लगी और व्यवस्थाएं ढंग से नहीं कर पाए, सो आंतरिक दुर्व्यवस्थाओं के कारण 1233 कब भैया 1233 में मालवा पर किसका अधिकार हो जाएगा? किसका? इल्तुतमिश था दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, इल्तुतमिश था, तो इल्तुतमिश ने जीत लिया भैया, अधिकार कर लिया मालवा पे, किससे? परमार वंशों को खत्म करके आक्रमण करा और मालवा से परमार शक्ति का पतन अलाउद्दीन खिलजी ने फाइनली पूरा कर ही दिया। ठीक है, शुरुआत तो इल्तुतमिश ने कर दी थी, पतन कर ही दिया था, खात्मा बिल्कुल किसने कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चंदेलों का भी पतन कर दिया था, खात्मा कर दिया था, शुरुआत किसने कर दी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यहाँ पे इल्तुतमिश ने शुरुआत करी, अलाउद्दीन खिलजी ने खत्म कर दिया। ये मान लो अलाउद्दीन खिलजी ने तो पूरा भारत ही जीत लिया था यार, दूसरा सिकंदर कहलाता है, और आपको नहीं पता हो तो वो वीडियो देख लेना, पूरी पड़ी है दूसरा सिकंदर के नाम से, ठीक है, तो जाके देख लो चैनल पे और समझ लो क्या है, और बाकी चीज ना समझ में आए तो पूछ लेना। तो ऐसे ही ये परमार वंश भी खत्म हो जाएगा कब भैया? कब खत्म हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी के समय, लेकिन शुरुआत कहाँ 1233 के आसपास हो जाती है, यानी 13वीं शताब्दी में मान लो कि खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? परमार वंश मालवा का खत्म। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।